ठीक है। द इलास्टिक कवरिंग प्रोटेक्ट द इलास्टिक प्रोटेक्टिव कवरिंग इज थिनेस्ट ऑन द लिप्स। डेफिनेटली आपको भी पता है आपके जो लिप्स हैं वो थिनेस्ट हैं, मतलब क्या है, लाइट हैं, वहाँ पे जो स्किन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। एंड आईलिड्स, आईलिड्स मतलब क्या है जी, आपके आंखों की ये गर्ल्स बता सकती हैं जी, आईलिड्स क्या है जी, गर्ल्स बताएंगी आपको ये आप में से आईलिड्स क्या है। कोई गर्ल है कि नहीं है? वही पलकों हाँ को जी, आईलिड्स क्या है जी? जाता है, वही पलकों को कहा जाता है इसकी। हाँ जी, वहां पे स्किन आपकी क्या है, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं जी, उसे पंजाबी में अक्सर लोग कहते हैं क्या कहते हैं, कोई फैसलाबादी नहीं बैठा हुआ, अली आया, अली सकलैन, सर बोलते अरे क्या कहते हैं चमनिया, चमनिया हाँ बोलते एग्जैक्टली और इसको एक और भी आम जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं यार, एक और भी है परवट्टे, पर क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं ख्याल से गल में नहीं समझ सर, गया। सर वो तो आईब्रो को बोलते हैं। हाँ पर यार ऐसे कुछ है, खैर जो भी है वो वहां पे जो स्किन है ना आपकी, वहां पे फ्लेक्सिबल है, थिनेस्ट है, मतलब बहुत बारीक है। आपके जो लिप्स हैं वहां पर जो स्किन है वो भी बारीक है। अगर हम बात करें थिकेस्ट की, थिकेस्ट कहाँ पे है जी, पाम, आपके हाथ की हथेली एंड सोल, आपके पाओ के नीचे जहाँ पर जो पेंदा जिसे या बॉटम बोलते हैं हम, वहां पे स्किन जोन सी है वो थिकेस्ट है। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स एमसीक्यूज वाले पूछ लेते हैं जी कि जो आपकी जो स्किन है वो थिनेस्ट कहाँ, किन किन एरियाज में है और थिकेस्ट किन किन एरिया में। तो ये दो तीन, ये दो जो लाइन है इसमें से एक आधा एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। अब हम इसके पढ़ रहे हैं जी फंक्शन। डेफिनेटली हीट रेगुलेशन, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हीट रेगुलेशन कैसे है जी, हीट रेगुलेशन वो इस तरह कि आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन है वो स्वेटिंग भी करती है, ये मॉइस्चर भी करती है, इसमें रेगुलेशन भी है स्वेटिंग की, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी मदद देती है। बेसिकली स्वेटिंग ग्लैंड जो उनसे हैं उसकी प्रोडक्शन भी करती है। तो आपकी जो स्किन है बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए हेल्प आउट होती है। मिसाल के तौर पर आज आप ठंड में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो आपकी जो स्किन है उसका बॉडी स्ट्रक्चर आपकी वो इस तरह की उसकी डेवलपमेंट है या रेगुलेशन है कि अब वो आज भी जो सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, फीलिंग आ रही है लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यही स्किन होती है आपकी जो गर्मियों में भी आपको हेल्प आउट करती है, क्या करती है, हेल्प आउट इस सेंस से करती है कि आपको जो स्वेटिंग आती है तो वो जो मसाम जो मतलब बंद होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से ये है कि जो अदर टाइप्स की जो डिजीजेज हैं या इन्फेक्शन हैं उनको ये कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है। नंबर सेकंड है जी अब्जॉर्प्शन, द एपिडर्मस लेयर्स ऑफ स्किन कंटेन एन एसिड मेंटल, मेंटल बोलते हैं जी चादर को, चादर जो जिसे हम ये चादर लेते नहीं, गर्ल्स लेती हैं ये अक्सर, मेल भी ले रहे होते हैं चादर को, ओढ़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं चादर। लेयर विच लिमिट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंटर थ्रू द स्किन दैट अफेक्ट द बॉडी टू अ माइनर डिग्री। मतलब क्या है कि जो स्किन जो है बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक लेयर है जिसको एसिड मेंटल मतलब एक तजापियत चादर की बनी हुई है जो कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी में इंटर होने के लिए परमिशन देती है, उसके अलावा ये परमिशन नहीं देती क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैयर प्रोवाइड करती है अदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट या अदर अगर हम सब्सटेंसेस के अगेंस्ट, और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो चीजें थिंग्स हैं जो कि उनको वो अब्सॉर्ब करती है। सेक्रीशन, सेबेसियस ग्लैंड सीक्रेट ऑयल टू लुब्रिकेंट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द स्किन। डेफिनेटली अक्सर लोग कहते हैं जी पसीना आना बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है लाइक मी, तो उनकी जो ऑयली स्किन है वो बेसिकली क्या है वो सीक्रेट ऑयल करते टू बी लुब्रिकेट। अक्सर मैं जब अगर मैं समर की बात करूँ तो अपने नोज के ऊपर हाथ लगाऊं तो वो अक्सर मेरा जो जो पाम है मतलब वो जो
टिप ऑफ द फिंगर है वो ऑयली हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये स्पीशियस ग्लैंड जो होते हैं वो स्कीट करती है, जो कि ऑयल लुब्रिकेंट का काम करते हैं। अच्छा जी, प्रोटेक्शन डेफिनेटली मैंने आपको बताया, बहुत सारे हमारे फैट सेल्स हैं जो कि इंसुलेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रॉमा टू इंटरनल ऑर्गन, द स्किन आल्सो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट एंड एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द इनवेजन ऑफ द बैक्टीरिया। इन शॉर्ट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे पैथोजन हैं जिसके अगेंस्ट ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी लेयर, स्किन लेयर को, जो कि हार्मफुल इफेक्ट देते हैं बॉडी को। तो इसी तरह बहुत सारे, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर है ऑफ द ऑर्गन जो कि हार्मफुल होते हैं। वो अगर कोई लाइट पड़ रही है या कोई मतलब ऐसा कोई स्किन डैमेजेस करने के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एस्पिरेशन perspiration is a process by which the sweating glands secrete waste material. Definitely जब हमारी बॉडी से पसीना आता है, हमें स्वेटिंग होती है, वो जो वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको ये सीट कर लेती है। वो बहुत अक्सर मैंने पहले भी रिपीट किया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी अगर पसीना आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है तो ये सेहतमंद होने की निशानी है। सेंसेशन डेफिनेटली कोई भी आपको टच करता है, कुछ छूता है आपको, तो ये एक आपको वो क्या कहते हैं सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जो आपके नर्व्स जोन से हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। नर्व्स एंडिंग इन द स्किन अलाउ अस टू फील हीट, कोल्ड, सच टच, प्लेयर प्रेशर एंड पेन, मतलब व्हाटसोएवर जो भी आप फील करते हैं आपकी बॉडी को टच करते हैं, तो ये एक सेंसेशन का काम करती है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी है, डेफिनेटली जब आप सुबह सूरज निकलने के बाद आधा घंटा या पौना घंटा या घंटा बैठते हैं सन के आगे, तो वो आपको एक सनलाइट प्रोवाइड करती है जो कि विटामिन डी का काम करती है। इम्यूनिटी डेफिनेटली मैंने पहले बताया, बहुत सारे पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं, उनके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी बोलते हैं मतलब कि ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। सोशल इफेक्ट ऑफ द स्किन, बाइट्स, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर, ट्रांसमिट सोशल एंड सेक्सुअल सिग्नल टू अदर्स। डेफिनेटली आपकी जो स्किन हैं वो अगर उसका कलर वाइट है या अट्रैक्टिव है, या वी कैन से दैट के उसका जो टेक्सचर है या सोशल ट्रांसमिशन, मतलब बहुत सारे फंक्शनैलिटी आपकी बॉडी जो है ओरली या वर्बली जो है या जेस्चर के तौर के ऊपर दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि इसका सोशल इफेक्ट इंडिकेट करते हैं। देख लें कोई भी एक ऐसा इफेक्ट बुक ने नहीं छोड़ा है जो कि स्किन परफॉर्म करती है, बस इतना काफी है जी। और ये स्किन के क्या कहते हैं उसको फंक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये अक्सर ये जो है ये एग्जाम में आ जाते हैं, एग्जाम में आने तकरीबन ये अगर हम मैं बात करूं तो वो पूछ लेता है एग्जामिनर के व्हाट इज द स्किन एंड इट्स फंक्शन, जो कि मैंने अभी आपको रीड आउट करवाए हैं। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज दैट के ये 5 मार्क्स के ये आते हैं फंक्शन, और एक ये इम्पोर्टेंट है स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है विद दिस, ये 5 मार्क्स के फंक्शन और ये लेयर्स हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं, तकरीबन 5 to 7 मार्क्स का पेपर इन 2 पेजेस के अंदर से आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, स्किन बेसिकली क्या है, फंक्शन है किसका, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है जी, हमारी पाम और सोल जो सी है वहाँ पे ये थिकेस्ट है, लिप्स और आईलिड्स की अगर हम बात करें वहाँ पे ये थिनेस है। हीट रेगुलेशन का काम करता है, डेफिनेटली स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, मॉइस्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके साथ अब्सॉर्प्शन का काम करता है। एक लेयर है एसिड मेंटल लेयर प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, उसके साथ सेक्रीशन का वर्कआउट करता है। स्पेशियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल स्क्रीट करते हैं टू लुब्रिकेट द बॉडी या लुब्रिकेट द स्किन। प्रोटेक्शन जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्सक्रीशन का काम करता है, बहुत सारे ऐसे स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं उसके अगेंस्ट ये
जोन्स है इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ उसके स्वेटिंग ग्लैंड्स को जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये एक्सक्रीट करने में काम करता है। सेंसेशन डेफिनेटली कोई बॉडी को आपको टच करता है या कोई पेन फील करते हैं या कोई प्रेशर फील करते हैं या कोई हीट फील करते हैं या कोल्डनेस फील करते हैं तो ये सेंसेशन का काम करता है। अर्ली मॉर्निंग में विटामिन डी प्रोडक्शन का काम करता है इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, ये उनको ऑटोमेटिकली किल करने में हेल्प आउट करता है। सोशल इफेक्ट डेफिनेटली मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी जैसा आपकी स्किन आपकी कलर्स आपके टेक्सचर्स आपकी बिहेवियर मतलब ये सारी चीज़ें आपकी स्किन भी इंडिकेट कर रही होती है जिसको हम जस्टर्स बोलते हैं या पोस्टर्स बोलते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्किन जो कि हमने आज डिटॉक्स की है जी। एनीथिंग मोर जी? मैं है कोई क्वेश्चन या कोई और क्यूरी जो आप करना चाहें तो नो सर। ये फंक्शन जो से ना ये मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा आपसे जी सर। ओके सर। फाइव मार्क्स का अक्सर आ जाता है व्हाट इज स्किन एंड इट्स फंक्शन पांच नंबर। व्हाट इज स्किन एंड इट्स लेयर ऑफ एपिडर्मिस स्किन या डर्मिस स्किन जो से भी है फाइव मार्क्स का आ जाता है तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको लाजमी करना है आप लोग ठीक है। सो अभी मैं आप क्लास क्लोज ना करें।